हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटर राइट। तो आज का वीडियो निकाला है बजाज पल्सर N160 वर्सेस बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क वेरिएंट का कंपैरिजन। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। तो आपको पल्सर 150 ट्विन डिस्क में स्प्लिट सीट सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर आपको सीट अच्छी देखने को मिलती है, बाइक आपको कम्यूटर साइड देखने को मिलती है अगर N160 के सामने देखते हैं तो। लेकिन बाइक का लुक बहुत अच्छा आता है और 20 साल से सेम लुक आ रहा है पल्सर के ब्रांडिंग में। पल्सर 150 वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग पल्सर ब्रांड है, मतलब पल्सर के जितने भी मॉडल्स आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल पल्सर का 150 सीसी वाला ही है। और ये ट्विन डिस्क वेरिएंट इसलिए है, ये थोड़ा बहुत स्पोर्टी रहता है और नॉर्मल वेरिएंट आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, स्प्लिट सीट सेटअप नहीं आता, सिंगल डिस्क आता है इसमें। और N160 के लुक की बात करूँ तो 160 सीसी में वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक है, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट की बहुत स्ट्राइकिंग लुक देखने को मिलता है और इसका टैंक सबसे ज़बरदस्त देखने को मिलता है। मतलब टैंक पर देखते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव टैंक देखने को मिलता है, पल्सर की ब्रांडिंग आ जाती है और बहुत बड़ा टैंक देखने को मिलता है। बैठने के बाद आपको बहुत अट्रैक्टिव लुक देखने को मिल जाएगा इस बाइक का। और इसका सीट का सेटअप भी स्प्लिट देखने को मिलता है उसके जैसा, लेकिन इसका थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पोर्टी आता है। रियर लुक भी आपको अच्छा देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको N160 की बैजिंग देखने को मिल जाती है, मोटे टायर देखने को मिलते हैं इस बाइक में। हर तरफ से बाइक बहुत बल्की और बहुत बड़ी देखने को मिलती है और स्पोर्ट्स बाइक यही देखने को मिलती है, प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक दिखती है। अगर अपन 150 ट्विन डिस्क को देखते हैं इसके सामने तो ये इतनी ज़्यादा स्पोर्टी देखने को नहीं मिलती जितना आपको N160 देखने को मिल जाती है स्पोर्टी। आप बात कर लेते हैं डैशबोर्ड की। तो आपको पल्सर 150 ट्विन डिस्क में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टैकोमीटर, इंजन चेक लाइट, रेवलीमीटर, न्यूट्रल लाइट, एबीएस लाइट, पासिंग लाइट और ये आपको टर्न सिग्नल्स वाली लाइट देखने को मिल जाती है, बैटरी लो इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, IFAF और लाइव माइलेज भी बताती है ये बाइक। यहाँ पर रीसेट का बटन मिल जाता है आपको, रेव लिमिटर मतलब आप रेड लाइन को क्रॉस करेंगे तो रेव लिमिटर ऑटोमेटिकली आपको रेड दिखेगा। और यहाँ पर इंजन चेक लाइट आती है, यह बाइक फ्यूल इंजेक्शन पर वर्क करती है तो आपको इंजन चेक लाइट देखने को मिल जाती है इस बाइक में। और यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिश जैसा आपको देखने को मिलता है जिससे इंस्ट्रूमेंट कंसोल अच्छा मिल जाता है आपको, मतलब इंस्ट्रूमेंट कंसोल अच्छा दिखता है। और अब बात कर लेते हैं अपने N160 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। इसमें भी आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है लेकिन इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा भरपूर मिलती है, स्पीड बताती है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टैकोमीटर और यहाँ पर आपको टाइम भी बताता है, न्यूट्रल लाइट, ABS इंडिकेटर, RPM लिमिट इंडिकेटर, यहाँ पर आपको लो फ्यूल इंडिकेटर मिलता है, लो बैटरी इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट, यहाँ पर M आता है, यहाँ पर S आता है, दो बटन मिलते हैं टॉगल करने के लिए। और इसके नीचे यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिलता है, मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं आप इसकी मदद से। तो इस बाइक में आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिलता है, सिर्फ इसके अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलती लेकिन टर्न बटन नेविगेशन बताता है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद। और यहाँ पर आपको बटन्स की क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। दोनों में कंपेयर करें तो आपको पल्सर 150 में कुछ ऐसे बटन्स मिल जाते हैं जो कि प्रीवियस पहले से ही आते हैं, कुछ ऐसे बटन्स मिलते हैं, बैकलाइट स्विचेस आते हैं, लेफ्ट साइड में भी आपको सेम मिलते हैं। और N160 में आपको थोड़े बहुत प्रीमियम बटन्स देखने को मिलते हैं जो कि अच्छे क्वालिटी में दिखते हैं और यहाँ पर आपको डिटेलिंग देखने को मिलती है, मतलब डिज़ाइन अच्छे से बनाया है इसका जिससे बाइक आपको और अट्रैक्टिव लगे। तो इसमें आपको यहाँ पर भी सेम बटन्स मिलते हैं, लेफ्ट साइड में भी आपको अच्छे बटन्स की क्वालिटी N160 में बेटर देखने को मिलती है अगर अपन पल्सर 150 से कंपेयर करते हैं तब। अब बात कर लेते हैं इंजन की। तो आपको पल्सर 150 में 150 सीसी का एयर कूल सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। पावर फिगर्स आपको 14 PS की मिल जाएगी पल्सर 150 में और टॉर्क आपको देखने को मिलता है 13.2 Nm का विथ 5-speed गेयरबॉक्स, टॉप स्पीड 110-115 km/h की और बाइक का माइलेज आपको 50-55 KMPL का देखने को मिल जाता है पल्सर 150 का। N160 में आपको 165 सीसी का ऑयल कूल सिंगल सिलेंडर 4-stroke BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलता है। पावर फिगर्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, 16 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है इसका इंजन और 14.6 Nm का टॉर्क इसका इंजन प्रोड्यूस करता है विद 5-speed गेयरबॉक्स, टॉप स्पीड आराम से 125 के ऊपर कर लेती है और इसमें भी माइलेज आपको सेम मिलता है 50-55 KMPL का। तो माइलेज फिगर्स आपको सेम मिलते हैं लेकिन पावर फिगर्स और इंजन के रिफाइनमेंट लेवल्स इसमें बहुत अच्छी मिलते हैं, 160 सीसी कैटेगरी में इससे ज़्यादा स्मूथ इंजन नहीं आता। मैंने दोनों ही बाइक राइड किए हैं, दोनों का टेस्ट राइड रिव्यू आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। दोनों में इसका सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन आता है और सबसे ज़्यादा स्मूथ इंजन आता है दोनों के कंपैरिजन में। और N160 में आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है, KTM बाइक्स में जैसा आता है वैसा अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। पल्सर 150 में आपको नॉर्मल सा एग्जॉस्ट लुक देखने को मिलता है, अंडरबेली एग्जॉस्ट नहीं आता पल्सर में। अब बात कर लेते हैं राइडर कंफर्टेबिलिटी की। तो आपको पल्सर 150 में बहुत मोटी और चौड़ी सीट देखने को मिलती है राइडर वाली, देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत जगह मिलती है बैठने के लिए, आगे पीछे भी हो सकते हैं और ट्रिपल सीट भी चला सकते हैं लेकिन स्प्लिट सीट सेटअप में आप इजीली चला नहीं सकते।
ट्रिपल सीट, लेकिन आपको राइडर की सीट बहुत कंफर्टेबल मिलती है। और यहाँ पर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार दिए जाते हैं इस बाइक में, थोड़ा वाइड हो जाता है बैठने के बाद, और स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन मिल जाती है आपको इस पर बैठने के बाद। पल्सर 150 से आपको बहुत कंफर्टेबल राइड मिलती है राइडर को, और पिलियन के लिए भी आपको अच्छी खासी सीट देखने को मिलती है, पिलियन सीट भी अच्छी कंफर्टेबल आती है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं स्प्लिट ग्रैब रेल, तो प्रॉपर ग्रैब रेल भी मिल जाते हैं आपको, पिलियन सीट भी कंफर्टेबल आती है। अब चलते हैं N160 के सीट पर, तो इस पर आपको राइडर की सीट तो बहुत ज़्यादा चौड़ी आती है और पिलियन सीट भी आपको अच्छी मिल जाती है। दोनों के पिलियन सीट का कंपैरिजन करें तो N160 में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल सीट देखने को मिलती है पिलियन वाली, और राइडर वाली भी इसकी ज़्यादा कंफर्टेबल आती है। और इसमें आपको राउड वाले हैंडल बार आते हैं जो कि थोड़े बहुत नीचे की तरफ हैं, इसमें भी आपको स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन मिलती है। और रियर व्यू मिरर भी इसके अच्छे आते हैं पल्सर 150 के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके ज़्यादा स्पोर्टी लुकिंग है और पीछे का पूरा विजन दिखता है इसके, मतलब पीछे की पूरी रोड दिखती है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर जो आपको ग्रैब रेल मिलते हैं ये ज़्यादा कैपेबल आते हैं, जगह बहुत रहती है पकड़ने के लिए, इजी हो जाता है पिलियन के लिए। टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो पल्सर 150 में आपको 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है, और N160 यहाँ पर हार जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको 14 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है सिर्फ। तो आपको 14 लीटर की टैंक कैपेसिटी N160 में मिलती है जो कि 1 लीटर कम आती है पल्सर 150 के कंपैरिजन में। सीट हाइट की बात करूँ तो आपको पल्सर 150 में 785 mm की सीट हाइट मिलती है और पल्सर N160 में 795 की, तो इसकी ज़्यादा हाइट लगेगी इस बाइक को राइड करने के लिए, कम हाइट वाले इजीली राइड नहीं कर सकते इस बाइक को। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको बता दूं N160 में 165 mm का मिलता है और पल्सर 150 में भी सेम 165 mm वाला ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। दोनों ही बाइक में मेन स्टैंड और साइड स्टैंड आते हैं और इंजन कट ऑफ सेंसर आता है, दोनों ही बाइक में आपको दोनों स्टैंड देखने को मिल जाते हैं और इंजन कट ऑफ सेंसर आ जाता है। सस्पेंशन की बात करूँ तो आपको पल्सर 150 में देखने को मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक और रियर में 5x एडजस्टेबिलिटी वाले ट्विन स्विंग आर्म देखने को मिलते हैं जो कि नाइट्रॉक्स वाले होते हैं। और यहाँ पर बात करूँ N160 की तो आपको फ्रंट में तो टेलीस्कोपिक फोक आते हैं, रियर में प्लस पॉइंट ले जाती है पल्सर N160। यहाँ पर आपको 7x एडजस्टेबिलिटी वाला मोनोशॉक देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इसका ज़्यादा फायदा हो जाता है, लुक तो आता ही है और यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिल जाता है इसका सस्पेंशन सेटअप। टायर सेटअप की बात करूँ तो आपको टायर पल्सर 150 में देखने को मिलते हैं 90-90-17 फ्रंट और रियर में देखने को मिलता है 120 mm वाला 17 इंच का अलॉय व्हील। और इसकी बात करूँ पल्सर N160 में तो फ्रंट में आपको मोटर टायर मिलता है, 100 सेक्शन का टायर आता है फ्रंट में, 17 इंच का अलॉय व्हील आते हैं और रियर में 130-70-17 इंच का अलॉय व्हील रियर में मिलता है, लेकिन 130 mm वाला टायर आता है, तो कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ इसकी बेहतर होती हैं अगर पल्सर 150 से कंपेयर करते हैं तब। तो वाइडर टायर आपको N160 में देखने को मिलते हैं, पल्सर 150 में उतने ज़्यादा मोटे नहीं आते जितना आपको पल्सर N160 में देखने को मिल जाते हैं। ब्रेकिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डुअल चैनल ABS N160 में और फ्रंट में आपको 300 mm वाला डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में 230 mm वाला, तो डुअल चैनल ABS इस बाइक में मिलता है जो कि 160cc में पहला है। और पल्सर 150 में आपको फ्रंट में डिस्क मिलता है 280 mm वाला विद सिंगल चैनल ABS, रियर में 230 mm वाला डिस्क ब्रेक मिलता है लेकिन इसमें आपको सिंगल चैनल ABS आता है, तो ज़्यादा सेफ बाइक होती है पल्सर N160। और पल्सर 150 आपको उतनी ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करती जितना आपको पल्सर N160 में डुअल चैनल ABS प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियाज़ फर्स्ट 160 विद डुअल चैनल ABS बाइक। और बात कर लेते हैं बाइक के वेट की, तो आपको पल्सर 150 का वेट 148 किलोग्राम देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको N160 का वज़न आता है ज़्यादा क्योंकि ये डुअल चैनल ABS मॉडल है, इसमें आपको 154 किलोग्राम वेट देखने को मिलता है, 6 किलोग्राम ज़्यादा वेट रहता है लेकिन चलाने पर आपको महसूस बिल्कुल नहीं होगा, ये ज़्यादा एजाइल और ज़्यादा फ्लिकेबल देखने को मिलती है बाइक। ट्रैफिक में भी राइड करेंगे तो आपको पल्सर 150 से इजीली ये बाइक राइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको फ्लिकेबिलिटी अच्छी मिल जाती है और नेकेड स्पोर्ट इतने अच्छे से ट्यून किया है कि इसका वेट भी ज़्यादा महसूस नहीं होता, मैंने टेस्ट राइड रिव्यू किया था, आप आई बटन में जाकर लिंक पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो आपको पल्सर 150 की ऑन रोड प्राइस राजयोग बजाज उदगीर में 1,42,000 रुपये देखने को मिलती है और N160 की प्राइस आपको डुअल चैनल ABS मॉडल में 1,60,000 मिलती है। अगर गाइस आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं 18,000 पे करने पर आपको क्या ज़्यादा मिलता है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है इस बाइक में जो कि इस बाइक में नहीं आता, LED टेल लाइट दोनों ही बाइक में आती है, LED इंडिकेटर्स दोनों बाइक में नहीं आते, लेकिन इसमें जो लुक मिलता है बहुत अट्रैक्टिव होता है, इंजन 16 BHP की पावर करता है वो 14 BHP है, तो ज़्यादा इसमें पावर मिलती है, हालांकि दोनों ही बाइक में आपको माइलेज इतना ही मिलता है और टॉर्क भी इस बाइक में ज़्यादा आता है, 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है ये बाइक और वो बाइक देती है सिर्फ 13.2 न्यूटन मीटर का,
तो 1.4 न्यूटन मीटर उसमें टॉर्क कम आता है, लुक तो कम ही है। डुअल चैनल ABS प्रोवाइड करती है डुअल डिस्क ब्रेक के साथ, और यह बाइक में आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS आता है। सेफ्टी भी इस बाइक में ज़्यादा आती है, कंफर्टेबिलिटी भी इस बाइक में ज़्यादा आती है, और फीचर्स भी इसके अंदर ज़्यादा आते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी, इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी इसका ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बाइक हर तरफ से एकदम नई आती है और बहुत अट्रैक्टिव लुक, और मोटे टायर भी इसी बाइक में देखने को मिलते हैं। 18,000 आपको इस बाइक में ये सब प्रोवाइड करेंगे। 18,000 कम में लेना चाहें तो ये बाइक भी अच्छी है, ऐसे नहीं कि ये ख़राब है। ये बाइक कम बजट वालों के लिए बेस्ट है, और जिसको फैमिली बाइक चाहिए, थोड़ी बहुत स्पोर्टी चाहिए, उसके लिए बेस्ट है। और जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो मेरे जैसे हैं, जिसको ज़रा स्पोर्टी नेचर वाली बाइक पसंद है, लुक अच्छा चाहिए, माइलेज अच्छा चाहिए, और आपको देखने को मिल जाए, सेफ्टी भी फुल मिल जाए, और लुक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएँ, तो उनके लिए बेस्ट है पल्सर N160। तो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर N160 वर्सेस बजाज पल्सर 150 का फुल कंपैरिजन दे दिया। आपको कौन सी बाइक पसंद है आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।